तो पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिले यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर आए? तो सही उत्तर है चंदौली। एक्चुअली में 2018 की शुरुआत में नीति आयोग ने एक योजना शुरू की थी कि भाई जो भी पिछड़े जिले है ना उनका विकास नहीं हुआ है, हम उनका चयन करेंगे और फिर उनको विकसित करेंगे। तो उसी के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें टॉप पे रहा है उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला, सेकंड पे उड़ीसा का बोलनगीर और थर्ड पे आंध्र प्रदेश का वाईएसआर जिला। और ये जो रिपोर्ट है उन जिलों की कृषि, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, पोषण के आधार पर तैयार की गई है। नीति आयोग की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति की मतलब क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 2019 में इनका रिटायरमेंट होने वाला था लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ा दिया 2021 तक। फिर अभी किसे आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा जनक राज को। एक्चुअली में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अभी तक कार्यकारी निदेशक थे माइकल देवव्रत पात्रा, लेकिन आपको पता है अभी ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बन चुके हैं, तो इनकी जगह आ गए हैं जनक राज। अच्छा, मौद्रिक नीति समिति का काम क्या होता है? तो जो हमारी ब्याज दरें होती हैं कि किसकी दर कितनी रहेगी ये डिसाइड करने का काम करती है। आरबीआई की स्थापना याद रखो 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। और वैसे आपको बता दूं अभी सरकार की आरबीआई के अंदर ही जो कोऑपरेटिव बैंक, जो सहकारी बैंक होते हैं उनको भी लाने की, इसके अंदर ही लाने की तैयारी है। मतलब आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती हैं अब उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर होगा तेलंगाना। अच्छा, ये तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट हो गई। आपको याद होगा अगर दिसंबर का मंथली वाला करंट अफेयर्स का वीडियो आपने देखा होगा तो वहां पे हमने बात करी थी, नीति आयोग ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा था केरल। तो वो नीति आयोग का था और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है। अच्छा, अगर सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे तो कितने गोल्स हैं? टोटल 17 हैं और इन लक्ष्यों को हमें कब तक पूरा करना है, 2030 तक पूरा करना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, प्रमुख इसके हैं अकीम स्टीनर और इसकी स्थापना 1965 में हुई। फिर अभी किस भारतीय को थाईलैंड में यूनाइटेड नेशन का प्रमुख दूत बनाया गया है? तो आंसर होगा गीता सभरवाल को। तो गीता सभरवाल को अभी थाईलैंड में यूनाइटेड नेशन का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। बात की ध्यान रखो, ये गीता सभरवाल है, एक गीता गोपीनाथ भी आपने पढ़ा होगा, 2019 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी वो। अंशुला कांत की बात करेंगे, 2019 में ही ये वर्ल्ड बैंक की पहली महिला CFO और MD बनी थी, CFO यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर। और HK जोशी की बात करेंगे, हरजीत कौर जोशी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला CMD बनी अभी है। बाकी यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यही कारण है कि हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। देखो 24 अक्टूबर को और भी इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड पोलियो डे हो गया, नेशनल फूड डे हो गया, ये भी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सेक्रेटरी जनरल इसके हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो कि कहाँ से है, पुर्तगाल से है। पुर्तगाल की कैपिटल आपकी लिस्बन है और पुर्तगाल से एक महान फुटबॉल खिलाड़ी भी आते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर है विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस पहली बार कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो याद रखना पहली बार मनाया गया अब ये 30 जनवरी 2020 को, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा उसको समाप्त करने के लिए इसे मनाया जाता है। ये जो रोग है परजीवियों और बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर अभी किसे 2019-20 का पेन गोरी लंकेश सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा यूसुफ जमील को। अच्छा, ये कौन है? तो जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं यूसुफ जमील और इन्हीं को पत्रकारिता में इनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। इस सम्मान की बात कर ले तो ये मशहूर पत्रकार गौरी लंकेश की याद में दिया जाता है, 2017 में बेंगलुरु में इनके घर पे इनकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा, पुरस्कार की बात करें तो 2018-19 में पहली बार इस सम्मान को दिया गया था। किसको मिला था? कार्टूनिस्ट पी महमूद को दिया गया था। अच्छा देखो, एक और गौरी लंकेश जी के नाम पे एक अवार्ड है, गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड, जो 2019 में पहली बार दिया गया था। किसे मिला था? NDTV के पत्रकार। तो आपको ये नाम याद रखना है, पेन गौरी लंकेश अवार्ड जो कि 2019-20 का मिला है किसको? जम्मू कश्मीर के पत्रकार है यूसुफ जमील को। फिर है किसे नेपाल में भारतीय राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा को। वहीं ऑप्शन में बात करेंगे तरनजीत सिंह संधू, अमेरिका में भारतीय राजदूत बने ये,
मोहम्मद इमरान की बात करेंगे तो बांग्लादेश ने भारत में अपना उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया, और सी सुगंध राजन की बात करेंगे, घाना में भारत ने अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया था। नेपाल की बात करें, कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपया, और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर ही है काठमांडू में। और अभी दिसंबर में नेपाल के साथ हमने जो एक्सरसाइज की थी उसका नाम क्या है, सूर्य किरण है, नेपाल के रूपनदेही जिले में की थी। और अभी नेपाल ने सबसे ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। फिर अभी किसे इस साल के कल्पना चावला एक्सेलेंस अवार्ड देने की घोषणा की गई है, तो आंसर होगा दिलराज प्रीत कौर। ये कौन है, ये उत्तराखंड की योग ब्रांड एम्बेसडर है, और इन्हें मिलेगा इस साल का कल्पना चावला एक्सेलेंस अवार्ड। बाकी रानी रामपाल की बात करेंगे, महिला हॉकी टीम की कप्तान है ये, और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला था, और ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी, तो ये नाम याद रखना। उसके अलावा पवन सुखदेव की बात करेंगे, 2020 का टाइलर पुरस्कार जीता था इन्होंने, और ये टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। देखो ये है पवन सुखदेव, और यहीं से एक नाम आप याद रख सकते हो, सुखदीप सांगवान का, असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल हैं जो। संजना कपूर की बात करेंगे, शशि कपूर की बेटी हैं ये, और फ्रांस सरकार ने इन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया था। फिर एक किस संगठन ने कोरोना वायरस पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, तो आंसर होगा WHO ने। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का मुख्य कारण है इस वायरस का 18 से ज्यादा देशों में फैलना। इसकी शुरुआत तो चाइना में हुई थी, लेकिन अभी तक ये काफी सारे देशों में फैल चुका है, और भारत में भी यहाँ तक कोरोना वायरस के मामले आ चुके हैं। सबसे पहला मामला आया था आपके केरल से ही 2-3 मामले आ चुके हैं, और केरल ने इसी कारण से राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित किया था। WHO की बात करेंगे, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और यही कारण है कि हम हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, डायरेक्टर जनरल है इसके टेड्रोस अदानोम गेब्रेयेसस। कहाँ से है ये, इथोपिया से है, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। और WHO की प्रमुख साइंटिस्ट कौन बनी थी, भारतीय बनी थी सौम्या स्वामीनाथन, नाम याद रखना। और याद रखना अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में घोषित किया था, और अभी WHO ने एक रिपोर्ट भी दी है, उसमें बताया कि 2040 तक वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबली कैंसर के मामले 60% तक बढ़ सकते हैं। और WHO, G7 ग्रुप और चाइना, ये आपस में मिलकर के कोरोना वायरस के निपटान के लिए अब कार्य करेंगे। और कोरोना वायरस से याद रख लो, अभी यूनाइटेड किंगडम ने भी इसके टीके के विकास के लिए 20 मिलियन पाउंड सहायता राशि दी है। फिर अभी कौन विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं, तो आंसर होगा बाला देवी। अच्छा ये है किस राज्य की, तो ये मणिपुर की है, जहां से आपकी MC मेरी कॉम है। तो अभी ये यूरोपीय क्लब रेंजर्स जो कि स्कॉटलैंड का है उसके साथ 18 महीनों के लिए जुड़ गई है, और इस तरह से विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है। अच्छा महिला फुटबॉल खिलाड़ी में आपको एक और नाम याद रखना है, जिन्हें अभी पद्मश्री के लिए चुना गया, और इस तरह से पद्मश्री सम्मान पाने वाली वो पहली महिला फुटबॉलर बन गई है। क्या नाम है उनका, ओनम बेमबेम देवी, जिन्हें दुर्गा के नाम से जाना जाता है। और गाइज इन सभी क्वेश्चंस का टेस्ट बना करके मैंने अपनी क्रिक जीके ट्रिक्स की एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो वीडियो देखने के बाद वो टेस्ट आप जरूर लगा लेना, ताकि एक बार फिर से ये सारे क्वेश्चन आपकी आंखों के नीचे से निकल जाए, और साथ में आपको ये भी पता लग जाए कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है जिनमें आप अटक रहे हो या कन्फ्यूज हो, तो उन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना। और आप 4-5 बार ये क्विज लगा लोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि चीजें आपको कितनी भी अच्छे तरह से याद हो जाए लेकिन टाइम टाइम पे उनका रिविजन नहीं करोगे तो ये आप भूल जाओगे। और आपके कम समय में रिविजन करने के लिए ही ये मैं क्विज तैयार कर रहा हूँ। मुझे एक क्विज तैयार करने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगती है, लेकिन आप अपना कम समय में इन क्वेश्चन को दोहरा सकें, इनका रिवीजन कर सकें, इनका टेस्ट लगा सकें, इसलिए मैं ये क्विज बना रहा हूँ आपके लिए, तो वो क्विज आप जरूर लगा लेना। फिर है IBM कंपनी ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है, तो आंसर होगा अरविंद कृष्णा को, और ये गिन्नी रोमती का स्थान लेंगे। बाकी सारे इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये भारतीय CEO हैं किसी न किसी कंपनी में। जैसे कि सुंदर पिचई की बात करेंगे, आपको बताया अल्फाबेट के CEO बने थे, अल्फाबेट आपकी गूगल की पेरेंट कंपनी है। सत्य नडेला की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। अजय बंगा आपके मास्टर कार्ड के CEO हैं। वहीं एक और नाम याद रखो, शांतनु नारायण एडोब के CEO हैं, और अब अरविंद कृष्णा IBM के CEO बन गए हैं। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, स्थापना इसकी हुई थी 1911 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अच्छा एक प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था इस तरह से कि IBM का निकनेम क्या है, निकनेम पूछा गया था एग्जाम में, तो वो याद रख लो आप बिग ब्लू, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फिर है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितनी रहेगी, तो आंसर होगा 5%। याद रखना ये फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात हो रही है, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करेंगे तो फिर अंदाजा लगाया है 6 से 6.5% के बीच रहने का।
फिर है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे मुख्य व्यावसायिक अधिकारी सीसीओ यानी कि चीफ कमर्शियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया, तो आंसर होगा अनुराग दहिया को। बाकी ऑप्शन देखो सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हर्षवर्धन श्रृंगला अभी हमारे नए विदेश सचिव बने हैं फॉरेन सेक्रेटरी, आपको पता होगा ये अभी तक अमेरिका में भारतीय उच्चायुक्त है लेकिन अब ये नए विदेश सचिव बन गए हैं। और अमेरिका में नए भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन बने हैं, तो तरनजीत सिंह संधू बने, उनका नाम भी याद रखना। अनिल खन्ना ये एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष बने। और एसके सैनी की बात करेंगे तो हमारे ये वाइस चीफ बने हैं ऑफ इंडियन आर्मी। और आईसीसी की बात करें, स्थापना 1909 में हुई थी, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके सीईओ कौन है, मनु सहनी है। फिर है कहाँ पे 2020 के राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मैस्कॉट का अनावरण किया गया, तो आंसर होगा गोवा में। अच्छा ये जो मैस्कॉट शुभंकर वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा ये शुभंकर है क्या, तो इसका नाम है रूबी गुला जो कि एक फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है, कलगी बुलबुल है। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका स्टैटिक भी बन जाएगा, जो ये कलगी बुलबुल है ना ये गोवा का राज्य पक्षी भी है, तो ये आप याद रखना भैया। अच्छा ये नेशनल गेम्स इस साल कब से कब तक चलेंगे, तो 20 अक्टूबर को शुरू होंगे और 4 नवंबर तक चलेंगे, ये इसका 36वां संस्करण होगा। तो आप देख लो 36वां संस्करण 2020 में हो रहा है कहाँ पे, गोवा में। अगले साल 2021 में जो होगा वो छत्तीसगढ़ में होगा, 2022 वाला उत्तराखंड में होगा और 2023 वाला मेघालय में होगा। फिर एक किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा एम अजीत कुमार को। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, तो इसके नए चेयरमैन बन गए एम अजीत कुमार। बाकी एपी माहेश्वरी को आप जानते ही हो, सीआरपीएफ के नए प्रमुख बने थे। बबीता रायडू सेबी की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी। फिर अभी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है, तो आंसर होगा क्रिस्टीन सिंक्लेयर। अच्छा ये है कहां से, तो ये कनाडा से है और अब ये विश्व की सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने कितने गोल किए, टोटल 185 गोल किए हैं और इस तरह से इन्होंने अमेरिका के फुटबॉलर एबी वेम्बेक का 184 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। याद रखना ये महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में दोनों में सबसे ज्यादा गोल करने वाली है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ चुके हो, जैसे कि क्लेयर पोलोसाक ये ऑस्ट्रेलिया की है और पुरुष वनडे में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। जैकलिन विलियम्स की बात करेंगे, वेस्ट इंडीज की हैं, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, पुरुषों के इंटरनेशनल मैच में थर्ड एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी थी। स्टेफनी फ्रापर्ट की बात करेंगे, फ्रांस की हैं, फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी थी। फिर वनडे क्रिकेट में 2 बार 6 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो आंसर होगा सुनेलस। अच्छा ये है कहां से, तो ये साउथ अफ्रीका की लेग स्पिनर है और अभी ये वनडे क्रिकेट में 2 बार 6 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। वैसे मैं आपको बता दूं वनडे में सबसे ज्यादा 225 विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत की झूलन गोस्वामी के नाम है। फिर हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय थिंक टैंक को विश्व के टॉप 30 की सूची में शामिल किया गया है, तो आंसर होगा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को। तो अभी ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2019 आया है और उसमें भारत के थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को वर्ल्ड के टॉप 30 थिंक टैंक में शामिल किया गया है। अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इसको रैंक कितनी मिली है, 27 रैंक पे है ये। और अगर डेली करंट अफेयर्स वाला लेक्चर आप देखते होंगे तो वहां मैंने आपको बताया था कि कुछ समय पहले ही ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के रायसीना डायलॉग का आयोजन किया था नई दिल्ली में। अच्छा एक प्रश्न हो सकता है आपके माइंड में आ जाए, ये थिंक टैंक क्या होता है, तो देखो थिंक टैंक हम उन संस्थानों को कहते हैं जो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सैन्य या विदेश नीति या तकनीकी या फिर संस्कृति जैसे विषयों पर नीतियां तैयार करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने और इसमें टॉप पे रहा है यूएसए का थिंक टैंक जिसका नाम है एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पिछले साल 118वें स्थान पे था और इस बार 27 नंबर पे आ गया, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जहां पे भारत से जुड़ी किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट होता है तो वो प्रश्न ऑटोमेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है। फिर अभी किसे कनाडा में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है, तो आंसर होगा अजय बिसारिया को, अजय बिसारिया नाम याद रखना है। बाकी विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारतीय राजदूत बने, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत बने, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मोहम्मद इमरान आप जानते ही हो, बांग्लादेश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया था। फिर अभी किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर प्रताप चौहान को। अच्छा कौन है ये, तो आयुर्वेद प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने वाली कंपनी है जीवा आयुर्वेद, उसके ये निदेशक और ये खुद आयुर्वेद डॉक्टर है प्रताप चौहान, और इनको ब्रुसेल में यूरोपियन संसद में आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
फिर अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए थे, साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, तो इसमें महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन कहाँ से हैं? तो ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं और ये मात्र 21 साल की हैं और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। अच्छा, इसमें इन्होंने किसको हराया? स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को हराया है। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पे याद रखो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, डायरेक्ट स्टेटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ड कोर्ट पे। और मैंने आपको याद करवाए थे चारों, भाई चार साल में चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, अब होगा फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन, तो चारों याद रखो। देखो, ऊपर ही ऊपर वाला और नीचे नीचे वाला खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, सेकेंड वाला क्ले पे और थर्ड वाला ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो सोफिया केनिन का नाम याद रखना, अमेरिका ने ही। फिर अभी अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला बधिर व्यक्ति कौन बन गई है? बधिर व्यक्ति बोलते हैं मतलब डीफ पर्सन को, तो आंसर होगा मो ओ ब्रायन। ये 60 साल की फार्मेसी कर्मचारी है, मो ओ ब्रायन इनका नाम है, और अटलांटिक महासागर में 3000 मील यानी कि 4800 किलोमीटर की दूरी को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति बन गई है ये। बाकी ऑप्शन सारे इंपॉर्टेंट है। आरोही पंडित 2019 में अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी ये। सराय खुमालो माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली अश्वेत महिला यानी कि ब्लैक लेडी बनी थी ये साउथ अफ्रीका से थी। निर्मल पूजा की बात करेंगे, ये नेपाल के पर्वतारोही है और दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर तेजी से चढ़ाई करके एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। फिर है फीफा फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मॉरिशियो मैक्री। और इनका नाम आपने जरूर पहले सुना होगा क्योंकि ये पहले अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी फीफा फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में अर्जेंटीना के मैं पूछूं राष्ट्रपति कौन है, तो आंसर क्या दोगे? अल्बर्टो फर्नांडेस, याद रखना ये। अजय बिसारिया की बात करें, पीछे पड़ चुके हैं, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त एम्बेसडर बने, अरविंद कृष्णा IBM कंपनी के CEO बने और विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारतीय राजदूत बने, तो ये नाम याद रखना भैया। फीफा की बात कर लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904 में हुई, हेडक्वार्टर याद रखो आप इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रखो ज्ञानी इन्फेंटिनो है। और अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से यानी कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके हिसाब से बात करूं तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक फीफा रैंकिंग आई थी उसके अनुसार 108 है और टॉप पे बेल्जियम चल रहा था और बेल्जियम को फीफा टीम ऑफ द ईयर भी चुना था। फिर अभी किस राज्य ने YSR पेंशन कनुका योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। और मैंने आपको बता रखा है किसी भी योजना के अगर YSR लगा हो तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली आंध्र प्रदेश होगा। इसी तरह से मैंने एक और आपको चीट कोड बताया था, चीट कोड समझ लो, जैसे किसी भी योजना के आगे मो लिखा हुआ आता है, जैसे कि मो सरकार योजना, मो बस योजना, तो वो कहाँ की होगी? उड़ीसा की होगी। अच्छा, इसका आंसर तो हो गया आंध्र प्रदेश, लेकिन ये योजना है क्या इसको समझो। तो इसमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको अपनी पेंशन लेने के लिए कार्यालय में जाना पड़ता है और जिससे उन्हें काफी तकलीफ और काफी परेशानी होती है, तो उनके लिए ये योजना है। तो इस योजना के अंतर्गत अब उन्हें पेंशन लेने के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, पेंशन उनके घर पर ही पहुंच जाएगी। तो ये एक तरह से डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना है। अच्छा, इसी के साथ में जो वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले होते थे उनकी उम्र 65 ईयर से घटा करके 60 वर्ष कर दी गई है, ये भी याद रखो। फिर अभी अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2020, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। ये अभी 1 फरवरी को शुरू हुआ था जो कि 16 फरवरी तक चलेगा और ये इसका 34वां संस्करण था। आपको इससे जो दो पॉइंट याद रखने वो ये है, देखो, एक तो ये हुआ कहाँ? हरियाणा में हुआ, और इसमें जो फोकस कंट्री रहा वो है उज्बेकिस्तान और जो थीम स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। तो ये तीन पॉइंट याद रखना, कहाँ पे हो रहा है? हरियाणा में, थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश और फोकस कंट्री है उज्बेकिस्तान। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और याद रखना, हरियाणा सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी और 2020 को ही तेलंगाना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया था। चलो, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 वर्ष को किसके रूप में नामित किया था। फिर है भारत की पहली निर्यात फ्रूट ट्रेन को किस राज्य से रवाना किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश है। तो भारत की पहली फ्रूट ट्रेन है ये, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और इसको आंध्र प्रदेश के तादीपत्रे रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। इस ट्रेन में लगभग 1000 मेट्रिक टन केले हैं, बनाना है, जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पोर्ट पर जाएंगे और इस कंसाइनमेंट को फिर मुंबई से ईरान में भेजा जाएगा। एक्चुअली में क्या, इस तरह के जो कंसाइनमेंट होते थे ना पहले, वो सड़क मार्ग से
उनको ले जाना पड़ता था, जिससे ईंधन और समय काफी लगता था, और ट्रेन से फायदा है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, इसकी कैपिटल देखो हैदराबाद है अभी तो, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है और मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। और याद रखना, अब तक का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख आपका आंध्र प्रदेश में ही खोजा गया था। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी आपका आंध्र प्रदेश में ही बना था। और आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी भी दे दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें 2018-19 में फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पे है, तो आंध्र प्रदेश टॉप पे है। वहीं सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे रहा। और इसी साल मार्च में हमारी जो इंडियन नेवी है वो नेवल एक्सरसाइज करेगी, कौन सी, मिलन नाम का, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, अच्छा पीछे अभी अपन देख चुके थे वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, सोफिया केनिन ने। अब मेन सिंगल की बात करेंगे तो ये जीता है किसने, सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं ये, आंसर होगा नोवाक जोकोविच। और इसमें इन्होंने किसको हराया है, ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर हैं डोमिनिक थीम, उनको हराया है। तो नोवाक जोकोविच पिछली बार 2019 में भी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था, तो इस तरह से 8 बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत चुके हैं अब तक, और टोटल 17 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। चलो एक बार फिर से सुनो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में बात करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, सोफिया केनिन ने, जो कि अमेरिका की है। इन्होंने हराया था गार्बिन मुगुरुजा को, जो कि स्पेन की है। मेन सिंगल में बात करेंगे, नोवाक जोकोविच विजेता रहे, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। इन्होंने हराया डोमिनिक थीम को, जो कि ऑस्ट्रिया के प्लेयर है। और मैंने आपको पीछे भी एक प्रश्न पूछा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पे। फिर अभी कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा प्रमोद अग्रवाल बन गए हैं। और कौन से नंबर के बने हैं, तो ये 28वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, 28वें नंबर से कुछ याद आया, अभी जो हमारे नए आर्मी चीफ बने हैं मनोज मुकुंद नरावने, वो भी तो 28वें नंबर के हैं। बाकी ऑप्शन देख लो, अर्नब गोस्वामी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे, अरविंद कृष्णा आप जानते ही हो IBM के CEO बने, अभी पीछे देखा, अनिल खन्ना एशियन टेनिस एसोसिएशन के CEO बने ये। अच्छा, जब भी कोल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो याद रखना झारखंड के धनबाद को कहते हैं। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और चेयरमैन MD बन गए हैं कौन, प्रमोद अग्रवाल। फिर एक कौन सा देश राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में दोबारा शामिल हुआ है, तो आंसर होगा मालदीव। अच्छा, मैंने कहा दोबारा शामिल हुआ है, एक्चुअली में ये पहले राष्ट्रमंडल का सदस्य था, लेकिन 2016 में इसने सदस्यता छोड़ दी थी और अब फिर से ये सदस्य बन गया, कौन से नंबर का, 54वें नंबर का। अच्छा, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देशों की बात करेंगे तो ये उन देशों का ग्रुप है जो मुख्य रूप से कभी ब्रिटेन के अधीन रहे थे, यानी कि ब्रिटेन ने इन पर राज किया था। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। आपने जरूर नाम सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो उसमें जो टीम पार्टिसिपेट करती है, जो देश पार्टिसिपेट करते हैं, वो कॉमनवेल्थ नेशंस ही होते हैं, मतलब इसी के मेंबर कंट्रीज के बीच में ये गेम होता है। मालदीव की बात करेंगे, कैपिटल माले है, करेंसी है रुफिया, और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। फिर श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा गोपाल बागले को, उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर, तो गोपाल बागले श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त बन गए हैं। अजय बिसारिया की बात करेंगे, कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त बने थे। विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारतीय राजदूत बने थे, राजदूत मतलब एम्बेसडर बने थे। तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत बने थे। अच्छा देखो, कई बार क्वेश्चन में हमने सुना है उच्चायुक्त या फिर राजदूत, उच्चायुक्त को बोलते हैं हाई कमिश्नर, राजदूत मतलब एम्बेसडर, तो वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोनों में अंतर, एक बार जिसको नहीं पता फिर से देख लो। देखो सीधा सा है, जो राष्ट्रमंडल देशों में एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको बोला जाता है हाई कमिश्नर, यानी कि उच्चायुक्त, जबकि जो राष्ट्रमंडल देश नहीं है उनमें अगर भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है या उनका रिप्रेजेंटेटिव भारत में आता है तो उसे एम्बेसडर बोला जाता है। और राष्ट्रमंडल देश में आपको पीछे बता ही चुका हूं, वो देश जिन पे कभी ना कभी ब्रिटेन ने शासन किया। अब श्रीलंका से 2-3 पॉइंट याद रख लो, इसकी देखो दो कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, करेंसी है श्रीलंकन रूपी, प्रेसिडेंट कौन नए बने थे, गोतबाया राजपक्षे, नाम याद रखना, और प्रधानमंत्री भी नए बने महिंद्रा राजपक्षे। और एक और पॉइंट याद रखो, अभी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग टेंट्स इनिशिएटिव रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप पे श्रीलंका था, भारत 78 नंबर पर है उसमें। वहीं बात करेंगे, मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखने वाला पहला एशियाई देश आपका श्रीलंका ही है। फिर अभी विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 2 फरवरी को, और इसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में मदद कर रहे आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स के बारे में जागरूकता फैलाना। अब 2 फरवरी को क्यों मनाते हैं इसको, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे इसके संरक्षण के लिए।
फिर अभी इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा मोहम्मद तौफीक अल्लावी। वहीं अगर अलेक्जेंड्रो ग्यामात्रे की बात करेंगे तो ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने थे, और मिखाइल मिसुस्टिन जानते ही, रशिया के नए प्रधानमंत्री बने, और सेबेस्टियन कुर्ज ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने थे। बाकी इराक की बात कर लेंगे, कैपिटल बगदाद है, करेंसी है दिनार, और भारत को सबसे ज़्यादा ऑयल की सप्लाई कौन करता है, इराक ही करता है। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आप ये याद रख लो, प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था, तो 2 से 8 दिसंबर 2019 को। अब अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों या यूनियन टेरिटरी में, तो टॉप पे रहा मध्य प्रदेश। वहीं 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों या यूनियन टेरिटरी में बात करेंगे तो दादर व नगर हवेली टॉप पे रहा था। वहीं जिला स्तर पे बात करेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले जिले में बात करेंगे तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर टॉप पे रहा। वहीं 1 करोड़ से कम वालों में बात करेंगे तो मिजोरम का शेरछिप ये टॉप पे रहा था। तो राज्यों में भी आपने देख लिया, टॉप पे मध्य प्रदेश रहा 1 करोड़ से ज्यादा, और जिलों में डिस्ट्रिक्ट में बात करेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा में इंदौर टॉप पे रहा। अब ये मातृ वंदना योजना क्या है, तो ये एक मातृत्व लाभ योजना है जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 में। तो इसमें क्या होता है, जो कामगार महिलाएं होती है, जो मेहनत मजदूरी करने वाली महिलाएं होती है, तो गर्भावस्था के दौरान वो काम पे नहीं जा पाती तो उनकी इनकम नहीं हो पाती है, तो उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्हें 5,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत, और साथ में ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनको भरपूर आराम और पोषाहार मिलता रहे। फिर बाफ्ता अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया, तो आंसर होगा 1917। अच्छा, ये याद रखो, ये बाफ्ता अवार्ड का कौन सा संस्करण है, तो 73वां, और बाफ्ता मतलब ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। अच्छा, दो तीन चीजें जब भी अवार्ड्स की बात आती है ना, आप याद रखा करो, बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो आपने देख ही लिया 1917 को मिला, बेस्ट एक्टर कौन रहे, जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे रेनी जेनवेगर जूडी मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर सैम मेंडेंस 1917 के लिए। अब इस प्रश्न में एक अच्छी बात ये हो गई कि कुछ समय पहले आपके गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड भी हुए थे, तो उसमें जो बेस्ट एक्टर रहे थे, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, वो ये के यही रही थे। यानी कि आप एक बार नाम याद रख लो और आपके 2 क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो जाएंगे। और जोकिन फिनिक्स तो आपने दिसंबर में भी पढ़ा होगा, इनको पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। वहीं विराट कोहली की बात करेंगे तो उन्हें पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, तो ये क्लियर रखना। फिर एक किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल को। तो हिंदी लेखक हैं ये विनोद कुमार शुक्ल, और इन्हीं को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। और ये जो पुरस्कार है सबसे बेहतरीन काल्पनिक रचना के लिए दिया जाता है, और ये पुरस्कार उनको ब्लू इज लाइक ब्लू पुस्तक के लिए मिला है। बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूसुफ जमील पीछे पड़ चुके जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं, और 2019-20 का पेन गोरी लंकेश अवार्ड मिला है। दिलराज प्रीत कौर की बात करेंगे, उत्तराखंड की योग ब्रांड एम्बेसडर हैं ये, और कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा इनको। पवन सुखदेव की बात कर ले तो 2020 का टॉयलर पुरस्कार इनको मिला, टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसको। फिर है IRCTC के द्वारा वाराणसी और किस शहर के बीच में तीसरी प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएगी, तो आंसर होगा इंदौर। तो ये तीसरी प्राइवेट ट्रेन है जो कि वाराणसी और इंदौर के बीच में चलेगी, और IRCTC ही इसे ऑपरेट करेगा। इससे पहले जो 2 प्राइवेट ट्रेन थी आपकी तेजस एक्सप्रेस, वो कहाँ से कहाँ चलती थी, तो पहली वाली दिल्ली और लखनऊ के बीच में, और दूसरी वाली अभी 17 जनवरी को ही शुरू हुई थी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, और अब तीसरी चलेगी वाराणसी और इंदौर के बीच में। भारतीय रेलवे से बता दूं मैं आपको कुछ पॉइंट्स, जैसे कि अभी भुवनेश्वर में अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन्होंने खोला है, और 100% रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि विद्युतीकरण का लक्ष्य भी रखा है सरकार ने। और 100% से याद रखना, सरकार एयर इंडिया में जो उसकी 100% हिस्सेदारी थी उसको बेचेगी, और हो सकता है टाटा ग्रुप इसको खरीद ले। और अभी RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अपना नाम भी बदल लिया है, नाम बदल के भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर लिया है। फिर एक किसे मध्य प्रदेश के किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा अभिनेत्री वहीदा रहमान को। याद रखना 2018 के लिए मिलेगा इन्हें ये सम्मान, जबकि 2019 के लिए मिला निर्देशक प्रिय दर्शन को। तो दोनों याद रखना, 2018 का तो अभिनेत्री वहीदा रहमान को, और 2019 का निर्देशक प्रिय दर्शन को। अच्छा, एक और नाम याद रखो, विद्याधर व्यास का, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान से सम्मानित किया। बाकी सुमन कल्याणपुर की बात करें, 2017 के लिए इनको राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड मिला था। कुलदीप सिंह की बात करेंगे, 2018 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड मिला। और प्रिया प्रकाश की बात करेंगे तो सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड इन्होंने जीता था।
फिर अभी विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी इसकी थीम। अच्छा, इसकी थीम अगर आपको 2019 वाले कैंसर डे की थीम याद है तो इसका भी आंसर वही होगा, आई एम एंड आई विल, क्योंकि 2019, 2020 और 2021 के लिए थीम सेम है, तो थीम तो आप याद रख लो, आपके काम आएगी। अच्छा, ये तो हो गया विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी होता है, और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो भी देखते होंगे जिसमें हम लगभग 10 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, वहां पे मैं आपको डेली 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवाइज करवाता हूं, तो वहां मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो कब मनाते हैं बताओ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस? याद रखना नहीं पता तो 7 नवंबर को, और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। और इससे पहले ही हमने देखा था फरवरी में एक इंपॉर्टेंट डे और मनाया था, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अच्छा, अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए करंट अफेयर्स का कि भारत में अभी 10 वेटलैंड यानी कि 10 आर्द्र भूमि को रामसर स्थल का दर्जा मिला था, तो अब भारत में टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? तो ये याद रखना आप, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, 37 हो गई है। फिर है द बैंकर मैगजीन ने किसे एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो आंसर होगा शक्तिकांत दास को। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी मैगजीन है ये द बैंकर, और इसने आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनको एशिया पैसिफिक रीजन के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड देने की घोषणा की है। और क्यों मिलेगा इन्हें ये पुरस्कार? तो बैंकिंग नियमों को कड़ा करने और अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के उनके प्रयासों के लिए उनको ये सम्मान मिलेगा। बाकी चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी नाम याद रखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बने। संजीव चड्डा बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO बने। एक और नाम याद रखो, लिंगम वेंकट प्रभाकर केनरा बैंक के MD CEO बने थे। और शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है, कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। और अभी RBI में एक अपॉइंटमेंट हुआ था, नए डेप्यूटी गवर्नर बने थे, कौन? माइकल देवव्रत पात्रा, उनका नाम भी याद रखना। फिर अभी 11वें डिफेंस एक्सपो 2020 की थीम क्या रही? तो आंसर होगा इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसे 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। ये कहाँ पे शुरू हुआ है? लखनऊ में शुरू हुआ है, अभी 5 फरवरी को ये शुरू हुआ था। और ये कौन सा संस्करण है? इसका 11वां संस्करण है। थीम मैंने बताई दी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखो, अभी यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 सालों में $5 बिलियन के रक्षा निर्यात का लक्ष्य भी रखा है। फिर है भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी उत्सव अंतः प्रज्ञा 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी उत्सव है अंतः प्रज्ञा 2020। इसकी थीम रही थी स्पोर्ट एंड एनकरेज रूरल टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स। फिर अभी किस राज्य ने कोरोना वायरस के प्रकोप को राज्य आपदा घोषित किया था? तो आंसर होगा केरल ने। कोरोना वायरस से कुछ और पॉइंट याद रख लो, पीछे हम पढ़ चुके हैं। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोरोना वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया था, और अभी सबसे ज्यादा मामले तो चाइना में ही पाए जाए क्योंकि चाइना से ये निकला है। लेकिन चाइना के बाहर कोरोना वायरस के कारण पहली मौत जो हुई है वो किस देश में हुई है? फिलीपींस में हुई है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, जहाँ पे आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। केरल की बात करेंगे, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और यहीं पे आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर भी है, और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और अभी केरल के मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन NRAM को। और याद रखना भारत की पहली सुपर फैब लैब की स्थापना भी केरल में ही की गई है, और केरल के पर्यटन विभाग को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया था। फिर है 2024 में शीतकालीन यानी कि विंटर यूथ ओलंपिक्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया के गांगवान राज्य में होगा ये। अच्छा, 2024 का तो देख लिया, 2020 और 2022 में, तो 2020 में जो विंटर यूथ ओलंपिक होंगे, हो चुके एक्चुअली जनवरी में ये लाउसेन स्विट्जरलैंड में। 2022 में समर यूथ ओलंपिक होंगे डकार में, जो कि सेनेगल की राजधानी है, और 2024 में विंटर यूथ ओलंपिक आपके साउथ कोरिया में होंगे। अच्छा, ध्यान से सुनना, ये आपका यूथ ओलंपिक की बात हो रही है, और जो आप जानते हो वो है सिंपल ओलंपिक। तो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि 2020 के ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे, तो जापान के टोक्यो में, 2022 के बीजिंग चाइना में होंगे, 2024 के पेरिस फ्रांस में होंगे। फिर अभी किस देश ने क्लासिकल स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए एक नए टीके का विकास किया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो क्लासिकल स्वाइन फीवर ये सुअरों में एक आम बीमारी होती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए एक नया टीका बनाया है भारत ने।
तो इस टीके से 2 साल की प्रतिरक्षण क्षमता मिलेगी। एक्चुअली इससे पहले वाले जो टीके थे ना, उससे केवल 3 से 6 महीने की ही प्रतिरक्षण क्षमता मिल पाती थी। और जो वो पुराने वाले टीके बनाए जाते थे खरगोश के प्लीहा यानी कि स्प्लीन से बनाए जाते थे, तो नए टीके बनने से खरगोशों को मारना भी नहीं पड़ेगा, उनके मारने पर भी रोक लगेगी। फिर है IADR फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, तो आंसर होगा डॉक्टर साइमा यूनुस खान। IADR मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च। तो डॉक्टर साइमा यूनुस खान दंत अनुसंधान यानी कि डेंटल रिसर्च के क्षेत्र में IADR फेलोशिप से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बाकी ऑप्शन आप पढ़ ही चुके हो, मो ओब्रायन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति बनी थी, बाला देवी विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी, जीना अकर लेबनान की पहली महिला रक्षा मंत्री के साथ साथ अरब क्षेत्र की भी ये पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी। फिर है किसे भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो आंसर होगा दीपा मलिक को। पैरा एथलीट है ये दीपा मलिक, और इन्हीं को भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, ये है किस राज्य से, तो ये हरियाणा की है, और पद्मश्री सम्मान भी इनको मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने इनका नाम 2019 में सुना होगा, जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था, और किसके साथ मिला था, पहलवान बजरंग पुनिया के साथ। और 2020 में भी हमने इनका नाम सुना था जनवरी में, जब दीपा मलिक और पहलवान योगेश्वर दत्त को अखिल भारतीय खेल परिषद में शामिल किया गया था। तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, भारतीय पैरालंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। फिर अभी भारतीय नौसेना ने मतला अभियान नामक अभ्यास कहाँ पर शुरू किया था, तो आंसर होगा कोलकाता में। तो ये एक तरह का तटीय रक्षक सुरक्षा अभ्यास था, जिसका उद्देश्य था स्थानीय समुदायों को तटीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना। और इस अभ्यास का नाम पश्चिम बंगाल की जो मतला नदी है उसके ऊपर रखा गया। ध्यान से सुनना, ये मतला अभियान है, माल्टा अभियान मत कर देना, MATLA है ये। और अभी हमारी इंडियन नेवी मार्च में ही एक एक्सरसाइज करेगी मिलन नाम का, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। फिर है अभी हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के CEO कौन बने हैं, तो आंसर होगा अमिताभ भट्ट बने हैं। हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। अच्छा, अजय बिसारिया आप जानते ही हो, कनाडा में भारतीय राजदूत बने, प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के अध्यक्ष बने, और अरविंद कृष्णा IBM के CEO बने थे। फिर है अभी किस देश ने भारतीय पर्यटकों के मुफ्त प्रवेश को बंद कर दिया है, तो आंसर होगा भूटान ने। तो अब अगर आप भारत से भूटान में घूमने के लिए जाते हो तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे वहाँ पे प्रवेश के लिए। कितना देना पड़ेगा, तो 1200 एंगल्ट्रम प्रतिदिन देना होगा। एंगल्ट्रम वहाँ की करेंसी है, और ये फीस शुरू हो जाएगी जुलाई 2020 से। भारत के साथ साथ बांग्लादेश, मालदीव, इन सभी के पर्यटकों को भी फीस देनी पड़ेगी। भूटान की कैपिटल थिम्पू है, करेंसी है एंगल्ट्रम, और प्रधानमंत्री हैं लोटे त्शेरिंग। अच्छा, दो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा भूटान से, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंट्री ऑफ वर्ल्ड कौन सा है, तो भूटान है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है, तो याद रखना भूटान। इसमें ऑप्शन में चाइना भी दिया होता है पहले स्थान पे, तो ड्रैगन के चक्कर में आकर के स्टूडेंट चाइना लगा के आ जाते हैं, तो आपको भूटान याद रखना है। फिर अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 मेड इन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। मेड इन ओवर कहते हैं जिस ओवर में एक भी रन नहीं गया हो, वो मेड इन ओवर। तो जितने भी अभी T20 इंटरनेशनल इन्होंने खेले हैं, उसमें 7 मेड इन ओवर ये फेंक चुके हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं। अच्छा, जसप्रीत बुमराह का नाम आपको ऐसे भी याद रखना है क्योंकि अभी BCCI ने जसप्रीत बुमराह को पोली उमरीगर अवार्ड दिया था बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर के लिए। वही महिला में बेस्ट क्रिकेट का अवार्ड मिला था पूनम यादव को। फिर अभी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा, तो भारत 40वें स्थान पर रहा है। पिछले साल भारत 36वें स्थान पर था, तो इस बार 4 स्थान नीचे आकर के 40वें स्थान पर आ गया। इसमें टॉप पे रहा अमेरिका। अच्छा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाते हैं, तो याद रखना 26 अप्रैल को मनाते हैं। फिर है किस राज्य में एक नया वधावन पोर्ट यानी कि बंदरगाह बनाया जाएगा, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के दहानू शहर के पास में एक पोर्ट बनाया जाएगा वधावन नाम की जगह पे, इसलिए उस पोर्ट का नाम, बंदरगाह का नाम है वधावन बंदरगाह। और इसको बनाने में जो पैसा खर्च होगा वो लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिर है हाल ही में जारी वैश्विक मेडिकल डेटा लीक रिपोर्ट में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया है कि जो आपके CT स्कैन होते हैं, एक्सरे होता है, MRI हो गया, यहाँ तक कि जो पेशेंट हो गए, जो रोगी हो गए, उनकी तस्वीरों तक की डेटा को लीक करने की बात अगर आती है, तो महाराष्ट्र सूची में सबसे ऊपर है। और इसमें देखो देशों को कैटेगरी में बांटा गया है, गुड, बैड और अगली।
तो भारत अगली कैटेगरी में यानी कि अगली श्रेणी में दूसरे स्थान पर है, अमेरिका टॉप पर है। फिर है हाल ही में जारी एक सर्वे के अनुसार देश में बेरोजगारी दर कितना है, तो आंसर होगा 6.1%। तो अभी सांख्यिकी मंत्रालय स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री ने बेरोजगारी सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 6.1% रही है ऐसा बताया है। अच्छा, हमारे श्रम व रोजगार राज्य मंत्री कौन है? संतोष गंगवार है। डफ एंड फेलप्स के अध्ययन के अनुसार ब्रांड मूल्यांकन में पहले स्थान पे कौन है? तो आंसर होगा विराट कोहली है, और विराट कोहली लगातार तीसरे साल पहले स्थान पे बने हुए हैं। सेकंड पे अक्षय कुमार हैं, थर्ड पे दीपिका पादुकोण है, और महेंद्र सिंह धोनी नवे स्थान पर हैं। और विराट कोहली पहले स्थान पे, इससे कुछ आपको याद आया होगा, अभी दिसंबर में ही फोर्ब्स इंडिया टॉप सेलिब्रिटीज की लिस्ट आई थी, उस लिस्ट को पहली बार किसी खिलाड़ी ने टॉप किया था, यानी कि विराट कोहली उसमें टॉप पे थे। तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की वो लिस्ट थी जिसको टॉप किया विराट कोहली ने। सेकंड पे अक्षय कुमार और थर्ड पे सलमान खान रहे। फिर है किसे राष्ट्रपति जी के द्वारा कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो आंसर होगा डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। अच्छा, कौन है ये? तो ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के पूर्व प्रधान सलाहकार है। उसके अलावा विनोद कुमार शुक्ल को आप जानते ही हैं, हिंदी लेखक है, और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था इनको इनकी पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए। डॉक्टर प्रताप चौहान को जानते हैं, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार मिला था इनको। और यूसुफ जमील, ये जम्मू कश्मीर के पत्रकार है, और 2019-20 का पेन गौरी लंकेश अवार्ड मिला था इनको। अच्छा, कुष्ठ रोग की बात हुई है तो एक इम्पोर्टेंट डे बताओ मुझे आप, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये कब मनाते हैं अपन? तो याद रखना 30 जनवरी को मनाते हैं। फिर है फरवरी 2020 में हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। अभी 8 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, वैसे आपको पता होना चाहिए जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है मुख्य रूप से नागालैंड में एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो कि नागालैंड में हर साल दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस बार त्रिपुरा भी इसका आयोजन कर रहा है ताकि जो हॉर्नबिल नाम के पक्षी है ना उसका संरक्षण किया जा सके और पर्यटन के द्वारा राज्य के लोगों की आजीविका बढ़ाई जा सके। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, तो वो भी आप याद रखना। हॉर्नबिल जो है वो स्टेट बर्ड है आपके अरुणाचल प्रदेश का। त्रिपुरा की बात करेंगे, कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बेस। फिर है ग्रुप एम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक बाजार में भारत का स्थान क्या रहा? तो आंसर होगा 8। तो अभी भारत की अग्रणी मीडिया एजेंसी ग्रुप एम ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि 2020 में भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बना है और इस साल पिछले साल के मुकाबले 10% की वृद्धि हुई है। अच्छा, भारत तो 8वें स्थान पर रहा, टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है अमेरिका। अच्छा, इससे पहले अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान क्या था? तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत 40वें नंबर पे था और उसमें टॉप पे अमेरिका ही था, तो इसमें भी टॉप पे अमेरिका है, उसमें भी टॉप पे अमेरिका था। तो दोनों को इस तरह से लिंक करके याद रखो कि अमेरिका कहाँ कहाँ पे टॉप पे है, तो चीजें याद रखने में आसानी होगी। फिर अभी JSW स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा ऋषभ पंत को। JSW मतलब जिंदल साउथ वेस्ट स्टील। हार्दिक पांड्या की बात करेंगे तो कुछ समय पहले ये मॉन्स्टर एनर्जी एक एनर्जी ड्रिंक है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। इसी तरह से एक एनर्जी ड्रिंक था पेप्सिको का गेटोरेड, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी हेमा दास। विराट कोहली तो कई सारी चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जैसे कि MPL के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अनुष्का के साथ ये मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मिंत्रा जो है आपका ई फैशन कंपनी है, ये फ्लिपकार्ट की है, फ्लिपकार्ट की एक और ई फैशन कंपनी है जबोंग, लेकिन अब उसने कार्य करना बंद कर दिया है। और विराट कोहली को ऋषभ पंत के साथ बात कर लें तो ये दोनों हिमालय के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिर है RBI ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन कब से कब तक किया? तो आंसर होगा 10 से 14 फरवरी तक। और इसकी थीम क्या रही थी? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एक्चुअली में RBI 2016 से हर साल इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को मनाता है, वो भी एक स्पेशल थीम के साथ। RBI की बात कर लेंगे, इसकी स्थापना याद रख लेना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, वो भी 25वें नंबर के हैं। अच्छा, याद रखना अभी बैंकर मैगजीन ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड के लिए चुना था शक्तिकांत दास को। कुछ अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं जो अभी RBI में हुए, जैसे कि इसके डेप्यूटी गवर्नर बने थे कौन? माइकल देवव्रत पात्रा। अच्छा, याद रखना अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी और उसने बताया था कि विदेशों से सोना खरीदने के मामले में RBI 6ठे स्थान पर है, टॉप पे तो चाइना है। और अभी RBI के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने कौन? जनकराज। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, इसका काम क्या होता है? जो भी दरें हैं, जो भी रेट्स हैं, कितना रहेगी कितनी नहीं रहेगी, इसका फैसला करती है।
और अभी आपको बता दूँ, छठी द्वैमासिक मॉनिटरी पॉलिसी जारी हुई है और उसमें बताया गया है जो इसकी रेट्स है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ, जैसे कि रेपो रेट 5.15% चल रही है, रिवर्स रेपो रेट 4.90% चल रही है, कैश रिजर्व रेशियो 4% चल रही है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो 18.25% चल रही है, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये तो सेम ही रहती है, कितनी चल रही है 5.40% चल रही है। पर हाँ, अभी आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6% रहने का अनुमान लगाया है। और आपको याद होगा अभी आर्थिक सर्वेक्षण में 2021 वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 6.5% रहने का अनुमान लगाया था। अच्छा, इसी के अलावा यहीं पे आपको बता दूं कि आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करने की भी घोषणा की है, तो इस इंडेक्स के आने से देश में भुगतान के डिजिटलीकरण का मूल्यांकन किया जाएगा और इसे लॉन्च कर दिया जाएगा अभी जुलाई से ही। फिर है अभी किसे मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा मनोज दास को। उड़िया और अंग्रेजी भाषा के जाने माने लेखक हैं ये मनोज दास, और इन्हीं को इस साल मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। बाकी एन कुमार को आप जानते हो, कृषि क्षेत्र में हरित रत्न पुरस्कार 2019 इन्हें मिला। एन राम की बात करेंगे, केरल का मीडिया पुरस्कार मिला था इनको, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है ये एन राम, यहाँ पे एन का मतलब होता है नरसिम्हन, नरसिम्हन राम। नासिरा शर्मा नाम इंपॉर्टेंट है, 2019 के व्यास सम्मान के लिए इनको चुना गया है इनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। अच्छा, उसी तरह से 2018 के व्यास सम्मान की बात करेंगे तो वो मिला था लीलाधर जगुड़ी को, अभी नवंबर की ही बात है, उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए। फिर एक किसे भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया है, तो आंसर होगा फिलिप बार्टन को। वहीं गोपाल बागले, याद रखना, अभी श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त बने, अजय बिसारिया कनाडा में भारत के उच्चायुक्त बने, और विनय मोहन क्वात्रा ये नेपाल में भारत के राजदूत बने, यानी कि एम्बेसडर बने। इसके अलावा एक और नाम याद रखना, अभी यूएसए में भारत के राजदूत कौन बने थे, तरनजीत सिंह संधू बने थे। फिर है बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर होगा अभिषेक डालमिया। और इनके नाम की खास बात यह है कि अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं ये अभिषेक डालमिया। अच्छा देखो, जब भी क्रिकेट संघ के अध्यक्ष की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ रूपा गुरुनाथ का नाम, क्योंकि तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनी थी ये। और खास बात क्या है इनकी कि किसी भी राज्य में क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। बाला देवी की बात करेंगे तो ये भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी है और इनका नाम न्यूज़ में आया था क्योंकि अभी ये विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। फिर है टोक्यो ओलंपिक में भारत के सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सौरभ गांगुली को। तो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सौरभ गांगुली को 2020 में जो आपके टोक्यो ओलंपिक होने वाले ना, उसका सद्भावना राजदूत बनाया, गुडविल एम्बेसडर बनाया है। ये अभी टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक होंगे, अभी ये 24 जुलाई को शुरू होंगे जो कि 9 अगस्त तक चलेंगे। अच्छा बताओ, ये टोक्यो ओलंपिक समर ओलंपिक है कि विंटर ओलंपिक है, अब तो बता ही दो कि समर ओलंपिक है, ये डेट मैंने आपको बता दी है। सौरव गांगुली आप जानते ही हो, अभी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। अच्छा, ये टोक्यो ओलंपिक से एक प्रश्न और याद रखना, इसके मैस्कॉट शुभंकर क्या क्या है, तो मिराई तोवा और सोमाइती इसके शुभंकर है। बाकी दीपा मलिक आप जानते ही हो, अभी ये भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बनी थी, तो नाम इनका न्यूज़ में था। बजरंग पूनिया, अभी 2019 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था दीपा मलिक के साथ, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट होगा। फिर है किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है, तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है, मतलब आप 10 मीटर की दूरी से अगर AK-47 से भी इस पे वार करोगे ना, तो उसकी बुलेट भी इसको नहीं भेद पाएगी, इतना मजबूत है ये। और इस हेलमेट को बनाया है मेजर अनूप मिश्रा ने। मेजर अनूप मिश्रा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, इन्होंने कुछ समय पहले एक फुल बॉडी प्रोटेक्शन बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया था और उसके लिए इन्हें आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बता दूं, इस बुलेट प्रूफ हेलमेट के साथ साथ भारत की पहली और दुनिया की सबसे सस्ती गनशॉट लोकेटर बनाई गई है जो कि 400 मीटर की दूरी से बुलेट की एग्जैक्ट स्थान का लोकेशन का पता लगा सकती है। और इस गनशॉट लोकेटर का नाम रखा है पार्थ। क्या नाम रखा है? पार्थ नाम रखा है। अच्छा, वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है हमारे? मनोज मुकुंद नरावणे हैं, 28वें नंबर के। रक्षा मंत्री आप जानते ही हो राजनाथ सिंह जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ में, और लखनऊ में अभी आपका चल रहा था डिफेंस एक्सपो 2020। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है, तो आंसर होगा सीएन रामचंद्रन को। ये सीएन रामचंद्रन केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। एन राम की बात करेंगे,
केरल का मीडिया पुरस्कार अभी इनको मिला था, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है ये। एन कुमार की बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र में हरित रत्न पुरस्कार 2019 मिला इनको। और मनोज दास की बात करेंगे तो उड़िया और अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं ये, और अभी इनको कौन सा अवार्ड मिला था, मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड मिला था। फिर है देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन, ये कहाँ पे खुला है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्र वरम शहर में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये एक आदर्श पुलिस स्टेशन है जिसका उद्देश्य है बलात्कार, यौन उत्पीड़न और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करना और महिला पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना। फिर अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री ने इस्तीफा दे दिया है, क्या नाम है उनका, आंसर होगा पिनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग। तो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ये पिनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। 1 मार्च को, इसी साल के 1 मार्च को इस्तीफा दे देंगी ये, और उसके बाद ये अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगी, मतलब पढ़ाने का काम करेंगी। और जब तक कि कोई नया चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं आ जाता, वर्ल्ड बैंक के जो रिसर्च डायरेक्टर हैं, कौन, आरत क्रेई, क्या नाम है, आरत क्रेई, उनको इंटरिम चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया जाएगा। वहीं बात कर लें जेफ वेनर की, तो अभी ये लिंक्डइन के सीईओ थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बाकी इनको जानते ही हो आप, अबिदाली नीमच वाला, विप्रो के सीईओ थे, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ए सूर्य प्रकाश का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रसार भारती के अध्यक्ष थे ये अभी तक, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, एक्चुअली ये रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायरमेंट हो गया इनका। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, इसके नए अध्यक्ष बने थे पिछले साल डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक के एमडी सीएफओ कौन है, एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर, आंसर होगा अंशुलाकांत। और वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 19-20 वित्त वर्ष के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया, 5%। फिर है किस राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा गया है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और इसी के साथ साथ जल जीवन मिशन को भी मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर में। तो इसमें क्या होगा, तो इस मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2021 तक सभी घरों में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। और इसी तरह का केंद्र सरकार का भी एक मिशन है, जल जीवन मिशन, और उसका लक्ष्य है 2024 तक देश के हर घर में नल से जल पहुंचाना। जम्मू कश्मीर से कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि याद रखो इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, गिरीश चंद मुर्मू बने हैं। एक गिरीश चंद चतुर्वेदी नाम और है, वो अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे, तो वो नाम भी याद रखना। उसके अलावा अभी गिरीश चंद मुर्मू के सलाहकार एडवाइजर कौन बने, आरआर भटनागर, जो कि अभी तक सीआरपीएफ के प्रमुख थे। अच्छा वैसे वर्तमान में सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है, तो आंसर होगा एपी माहेश्वरी। और अभी नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्सेज सेंटर की रिपोर्ट आई थी और उसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मॉड सुरंग भी बनाई जाएगी। और सुरंग की बात है तो जम्मू कश्मीर में एक सुरंग है चेनानी नाशिरी, उसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कोलकाता बंदरगाह का नाम भी रखा गया है। और अभी एक नया बंदरगाह, नया पोर्ट बनेगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, वाधवान बंदरगाह। फिर है भारत के पहले ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, आंसर होगा उत्तराखंड में। और ये कहाँ बनेगा, उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनेगा ये। एक्चुअली पिछले साल लक्ष्मण झूला जो था ना, उसे बंद कर दिया गया था, तो उसकी जगह पे बनेगा ये वाला। इसका जो फर्श होगा ना, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी कांच का होगा। ये पुल का जो फर्श होगा ना, उस पर ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी कांच लगेगा। इस पुल की लंबाई होगी 132.3 मीटर। उत्तराखंड की बात कर लें, कैपिटल देहरादून है, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य है। फिर है डिफेंस एक्सपो जो भी हुआ था लखनऊ में, उसमें खगांतक नाम की स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया गया। इस मिसाइल का निर्माण किस फर्म के द्वारा किया गया, तो आंसर होगा JSR डायनेमिक्स के द्वारा। ये मिसाइल हवा से जमीन पे वार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज याद रखो, खगांतक की रेंज क्या है, 180 किलोमीटर है। इस मिसाइल को गाइडेड वेपन के रूप में भी यूज किया जा सकता है, और इसमें अपने लक्ष्य को पहचानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग किया गया है। देखो डिफेंस की बात चल रही है तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि भारतीय सेना में शारंग, क्या शारंग को भी शामिल किया गया है। अब ये शारंग क्या है, ये एक आर्टिलरी गन का अपग्रेडेड वर्जन है, शारंग। और याद रखना भी डीआरडीओ भी सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है प्राणश, क्या नाम है, प्राणश, उसको बनाएगा, जिसकी रेंज होगी 200 किलोमीटर। ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है, और 2021 तक इसे तैयार करके इसका परीक्षण भी किया जाएगा, ऐसा बोला है डीआरडीओ ने। फिर है अभी किसने डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता,
तो आंसर होगा मिजोरम ने। अच्छा, ये चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही थी? तो शिलोंग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये हो रही थी और मिजोरम इसमें विजेता रही। मिजोरम ने इसमें पंजाब की टीम को हराया। देखो, फुटबॉल की बात है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताता हूँ, जैसे कि क्रिस्टीन सिंक्लेयर, कनेडियन है ये और अभी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाली खिलाड़ी बनी थी, तो इनका नाम न्यूज में था। टोटल 185 गोल किए इन्होंने। इंडियन में अगर बात करेंगे तो बाला देवी का नाम याद रखो, क्योंकि विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी हुई है। एक और नाम याद रखो, ओनम बैम बैम देवी का, जिन्हें आप दुर्गा के नाम से जानते हैं। अभी पद्मश्री सम्मान के लिए इनको चुना गया है और पद्मश्री पाने वाली ये पहली महिला फुटबॉलर होंगी ये। बाकी मिजोरम की कैपिटल आपकी अजोल है, मुख्यमंत्री जोरमथंगा है और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई है। फिर है, कौन सा देश 2021 की जनगणना में पहली बार LGBT समुदायों की गणना करेगा? तो आंसर होगा नेपाल। LGBT मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। तो 2021 की जनगणना में इनको शामिल करेगा नेपाल, क्योंकि इन समुदायों की सटीक आबादी का पता लगने से ये पता लग सकेगा कि इन्हें नौकरियों और शिक्षा में कितना आरक्षण मिलना चाहिए। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, जहाँ पे आपका सार्क का हेडक्वार्टर भी है। करेंसी नेपाली रुपया है। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली। अच्छा, याद रखना, अभी नेपाल में भारतीय राजदूत कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। और दिसंबर में नेपाल के साथ हमने एक एक्सरसाइज किया था सूर्य किरण नाम का, नेपाल के रूपनदेही जिले में। और नेपाल 2020 इसी साल अप्रैल में एक सागर माथा संवाद का भी आयोजन करेगा, जो उसका पहला संस्करण होगा और इसमें भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इसने इनवाइट किया है। फिर है, किस शहर का मेट्रो रेल नेटवर्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बना है? तो आंसर होगा हैदराबाद। अच्छा, अगर ये दूसरा सबसे बड़ा है तो पहला कहाँ पर है? तो पहला सबसे बड़ा है दिल्ली में। एक्चुअली भी हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में 11 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया गया, उसके बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है, जिसकी लंबाई है 69.2 किलोमीटर। अच्छा, दूसरे से याद आया, याद रखना, अभी जो हमारे स्टील मिनिस्टर हैं या पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील यानी कि कच्चा इस्पात उत्पादक यानी कि प्रोडक्शन करने वाला देश बन गया है। अच्छा, हैदराबाद से एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, कई बार स्टैटिक बन के आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। और एक और पॉइंट याद रख लो, दुनिया का भी सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में शुरू हुआ है, तेलंगाना के हैदराबाद में। अच्छा, एक और पॉइंट याद रख लो, अभी दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ है? यहीं पे, हैदराबाद में शुरू हुआ है। फिर है, स्पाइस जेट ने किसे अपना CCO नियुक्त किया है? CCO मतलब चीफ कमर्शियल ऑफिसर। तो आंसर होगा शिल्पा भाटिया। वहीं HK जोशी की बात करेंगे, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। SK सेनी की बात करेंगे, इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ बने ये। और प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। देखो, स्पाइस जेट की बात करें तो हेडक्वार्टर याद रख लो गुड़गांव में है और इसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह। वैसे मैं आपको बता दूं, 2019 में हमने पढ़ा था स्पाइस जेट भारत की चौथी एयरलाइन बनी थी जिसके पास 100 एयरक्राफ्ट है। अच्छा, फिर आपके माइंड में प्रश्न आया होगा, अगर ये चौथी है तो भारत में वो 3 एयरलाइंस कौन सी हैं जिनके पास 100 या 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं? तो इंडिगो है, एक है जेट एयरवेज और एक है एयर इंडिया। एयर इंडिया आप जानते ही हो, इसमें भारत सरकार अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने जा रही है और हो सकता है इसको टाटा ग्रुप खरीद ले। फिर है, जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर CMS के COP 13 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। CMS मतलब कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। ये अभी गुजरात के गांधीनगर में हुआ से 22 फरवरी तक। अच्छा, जो आपको पॉइंट याद रखना है वो एक तो ये है कि कहाँ पे हुआ और इसका शुभंकर क्या रहा। इसका शुभंकर रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे आप गिबी बोलते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये किस राज्य का राज पक्षी है? तो राजस्थान का है। और इस सम्मेलन की थीम क्या रही? माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टूगेदर वी वेलकम देम होम। गुजरात में हुआ, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। फिर है, किस राज्य में उड़ान योजना के अंतर्गत बीदर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। और इस तरह से ये कर्नाटक का 8वां हवाई अड्डा बन गया है और यहाँ से बेंगलुरु के लिए पहली सीधी उड़ान भरी गई। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। तो ये जो योजना है ये शुरू हुई थी 27 अप्रैल 2017 को, जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना। अब एयरपोर्ट्स की बात है तो एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि हमारी जो भारत सरकार है उसका लक्ष्य है 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाना।
फिर है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020, ये किसने जीता? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। आपको बताया ये कहाँ पे अभी चल रहा था, साउथ अफ्रीका में चल रहा था, और अभी इसे जीत लिया है बांग्लादेश की टीम ने। बांग्लादेश ने पहली बार इस अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीता है। वैसे ये इसका 13वां संस्करण था, और बांग्लादेश ने किसको हराया, तो भारत को हराया। फिर है अभी किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा पैरासाइट ने। अच्छा, सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये 2020 का जो ऑस्कर अवार्ड था इसका कौन सा संस्करण था, तो 92वां संस्करण था, और इसमें जो बेस्ट फिल्म रही है वो रही है पैरासाइट। अच्छा, मैंने आपको कई बार बताया जब भी अवार्ड की बात आती है कम से कम 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट फिल्म तो पैरासाइट रही है। अच्छा, याद रखना ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाली ये पहली विदेशी फिल्म भी बन गई है, यानी कि पहली नॉन इंग्लिश फिल्म है। कहाँ की है? ये साउथ कोरिया की फिल्म है। बेस्ट एक्टर रहे जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रही रेनी जेल वेगर जूडी मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर रहे बोंग जून हो पैरासाइट मूवी के लिए। और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था बाफ्ता अवार्ड्स के बारे में, तो उसमें देखो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस तो कॉमन ही थे, यही थे बस। उसमें बेस्ट मूवी रही थी 1917 और बेस्ट डायरेक्टर रहे थे सेमे मेंडेस 1917 मूवी के लिए। और उससे पहले अपन ने पढ़ा था गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, तो उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर वो के वही थे जो कि बाफ्ता अवार्ड्स में रहे थे। तो इस तरह से आपको याद रखने में आसानी रहेगी, लिंक करके चीजों को याद रखा करो हमेशा। जोकिन फिनिक्स की बात कर लें तो ये आपने दिसंबर में भी पढ़ा था इनका नाम, जब पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना गया था। वहीं नवंबर में विराट कोहली को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। अच्छा, इन सबके अलावा एक और नाम याद रखना है अमेरिकन फैक्ट्री का, इसने बेस्ट फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। अब इसका नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि ये बराक ओबामा और मिशेल ओबामा की प्रोडक्शन कंपनी है हायर ग्राउंड, उसके द्वारा रिलीज की गई पहली डॉक्यूमेंट्री है। फिर है किस देश में राड 500 मिसाइल का अनावरण किया गया, अनावरण यानी कि उसे लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा ईरान में। ये जो राड 500 है ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और इस मिसाइल की खास बात यह है कि इस मिसाइल में सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने वाला नई पीढ़ी का इंजन लगा है, और इस इंजन का नाम है जुहैर। क्या नाम है? जुहैर। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। करेंसी है रियाल। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अच्छा, याद होगा आपको अमेरिका ने हमला किया था, उसमें ईरान के जो मेजर जनरल थे कासिम सुलेमानी वो मारे गए थे। फिर नए जनरल कौन बने थे, उनका नाम याद रखना इस्माइल कानी। और अभी ईरान JCPOA यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे आप ईरान परमाणु समझौता बोलते हो, उससे ईरान अलग हो चुका है। फिर है अभी गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम, इस बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा MJ अकबर। ये हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं MJ अकबर, और इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम। ये बुक 1947 में हुए भारत के बंटवारे के बारे में बताती है। विशेष कोठारी की बात करेंगे, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी अभी बिजी टाइमलेस टेल्स मारवा, और इस बुक को अभी रिलीज किया गया था जो आपके जनवरी में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था वहां पे। WV रमन, इन्होंने एक बुक लिखी है अ विनिंग सिक्सर। कौन है WV रमन? वर्तमान में ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच है। अश्विनी कुमार की बात करेंगे, ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पज ऑफ इंपर्टिविटी नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। फिर है दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है? आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन। अच्छा, ये माउंट अकांगुआ किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये भी याद रखना अर्जेंटीना की। और ये काम्या कार्तिकेयन ये मुंबई की रहने वाली मात्र 12 साल की लड़की है, और इन्होंने 2021 तक एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। क्या होता है ये एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम? तो इसमें किसी व्यक्ति को विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना होता है, साथ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर भी चढ़ना होता है, मतलब पहुंचना होता है। वहीं गौरवी सिंघवी की बात करेंगे तो राजस्थान की है ये बच्ची, और विश्व की सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली बच्ची बनी थी। वहीं सराय खुमालू की बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली अश्वेत महिला ब्लैक लेडी बनी थी ये साउथ अफ्रीका से है। वहीं मालवत पूर्णा की बात करेंगे तो ये अभी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मासिफ इस पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी थी, उम्र इनकी 18 साल है।
नेशनल डी वार्मिंग डे यानी कि राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 फरवरी को। तो इस दिन क्या होता है, 1 से लेकर 19 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको एल्बेंडाजोल की टेबलेट यानी कि दवाई दी जाती है, जिसका उद्देश्य है बच्चों की आंत में जो कीड़े हैं उनके खतरों को कम करना। इसी के साथ याद रखना 10 फरवरी को ही विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसे 2019 में पहली बार मनाया गया था, यानी कि इस बार इसका ये दूसरा संस्करण था। आपको याद होगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, किस दिन हुई थी? 16 अक्टूबर को हुई थी, और यही कारण है हम हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 को दालों का वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया था। फिर है इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने 2019 कोच आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसको सम्मानित किया? सही उत्तर होगा फुलेला गोपीचंद को। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, भारतीय बैडमिंटन कोच हैं ये फुलेला गोपीचंद, और इनको देश में खेल के विकास के लिए कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, और इसी के साथ ये ओलंपिक समिति के द्वारा लाइफ टाइम पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कोच बन गए हैं। वैसे इन्हें काफ़ी और भी अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि एक बार मैं आपको बताऊं, जैसे कि 1999 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, 2001 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, 2005 में पद्मश्री मिला, 2009 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, और अभी 2014 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। बाकी दीपा मलिक की बात करेंगे, पैरा एथलीट हैं आप जानते हैं, और अभी ये भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनी है, तो इनका नाम न्यूज़ में है। बजरंग पुनिया आप जानते हैं, ये 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको दीपा मलिक के साथ में। और सौरभ गांगुली से क्या याद है आपको, अभी टोक्यो ओलंपिक में सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर बनाया गया इन्हें। फिर अभी 35वें महिला सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में सर्वश्रेष्ठ महिला वेट लिफ्टर का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू याद रखना वेट लिफ्टर हैं, और कहाँ से हैं ये, मणिपुर से हैं, और अभी इन्होंने इस चैंपियनशिप में बेस्ट सीनियर वुमेन वेट लिफ्टर का खिताब जीता है। अच्छा याद रखना इसमें मीराबाई चानू को सर्वश्रेष्ठ महिला वेट लिफ्टर का खिताब मिला है, पर ये जो चैंपियनशिप है ये जीती किसने, ये रेलवे ने जीती है। अच्छा देखो इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूँ कि अभी 72वें पुरुष सीनियर राष्ट्रीय वेटलिफ्टर चैंपियनशिप 2020 में बेस्ट सीनियर मेंस वेटलिफ्टर का खिताब जीता किसने है, जेरेमी लाल रेनुंगा ने। फिर है किस देश में एक इंस्टीट्यूट को देश की पहली हिंदू विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है? तो सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में एक इंस्टीट्यूट है जिसको देश की पहली हिंदू विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है, और इसका नाम रामायण में जो एक पात्र है सुग्रीव उसके नाम पर रखा गया है। नाम क्या रखा है, आई गुस्ती बागस सुग्रीव स्टेट हिंदू यूनिवर्सिटी। पहले इसका नाम था हिंदू धर्म स्टेट इंस्टीट्यूट, और अब इसका नाम बदल दिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर भी है। अच्छा वैसे इंडोनेशिया अपनी राजधानी चेंज कर रहा है जकार्ता से कहाँ पे, बोर्नियो द्वीप के पूर्वी कालीमंतन शहर में। इसकी करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। फिर है हाल ही में जारी 2020 के टॉप बिजनेस स्कूलों की सूची में IIM बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी हाल ही में ग्लोबल मॉक बिजनेस स्कूल की 2020 के टॉप बिजनेस स्कूलों की सूची में IIM बेंगलुरु तीसरे स्थान पर रहा, और इस लिस्ट में विश्व के 16 बिजनेस स्कूलों को शामिल किया गया था। मॉक मतलब होता है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। फिर अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी? तो सही उत्तर होगा हरियाणा ने। तो इस योजना में हर उस जरूरतमंद परिवार को जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है और जिनके पास 5 एकड़ से कम की भूमि है उनको सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अच्छा ये जो योजना है ना आपकी मिलती जुलती है केंद्र सरकार की उस योजना से, कौन सी वाली से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसमें भी तो साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं 2,000 रुपए करके। अच्छा हरियाणा से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अभी हरियाणा सरकार ने बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ाने के लिए रीडिंग मिशन हरियाणा एक पहल एक इनिशिएटिव शुरू किया है। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है। फिर अभी किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2019-20 के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो इसने ये पुरस्कार रियल टाइम पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए जीता है। अच्छा क्या होता है इस प्रोजेक्ट में, तो इसमें अगर कोई इंडस्ट्री लिमिट से ज्यादा पॉल्यूशन करती है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड जो भी ऑफिसर होगा उसको इसके बारे में सूचित करेगा।
फिर अभी किस देश ने हाथियों के शिकार के लिए लाइसेंस की नीलामी की है? तो आंसर होगा बोत्सवाना। तो एक्चुअली में साउथ अफ्रीकन कंट्री है ये बोत्सवाना, और यहाँ पे सबसे ज्यादा हाथियों की जनसंख्या पाई जाती है। तो अभी बोत्सवाना सरकार ने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों का शिकार करने के लिए लाइसेंस की नीलामी की है। बोत्सवाना कैपिटल गेबरॉन है, करेंसी क्या है? पुला है। अच्छा, विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना 12 अगस्त को मनाते हैं। और हाथी बात करेंगे तो केरल का, कर्नाटक का, झारखंड का हमारा राजकीय पशु है। फिर यार चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी ये जो बुक है, अभी इसे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है। आपको बताना ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। सही उत्तर होगा के रामकृष्ण राव की। ये आंध्र प्रदेश से ही है और इन्हें 2011 में पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। अच्छा, एम जे अकबर की बात करेंगे, गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम नाम की बुक लिखी इन्होंने। और यशवंत सिंह की बात करेंगे, पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं अटल जी के टाइम पे, और अभी इनकी एक बायोग्राफी आई थी जिसका नाम क्या है, रिलेंटलेस, और अभी इसको रिलीज किया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। वहीं बात करेंगे विश्वनाथ आनंद की, तो इनकी एक बायोग्राफी आई थी जिसका नाम क्या है, माइंड मास्टर। फिर है भारत और किस देश के बीच में अजय वॉरियर नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो 13 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच में ये अजय वॉरियर नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये इसका 5वां संस्करण था और ये हुआ कहाँ पे, इंग्लैंड के सेलिसबरी मैदानी क्षेत्र में। अच्छा, ब्रिटेन के साथ और कौन कौन से अभ्यास हम करते हैं? एक तो कोंकण अभ्यास करते हैं जो कि नेवल एक्सरसाइज है, इसके अलावा एक इंद्रधनुष अभ्यास भी करते हैं जो कि एक एयर एक्सरसाइज है। फिर अभी किसने आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। अच्छा, अब इसे समझो, इसका मतलब क्या हो गया? देखो, अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान जो देश सबसे अच्छा खेल प्रदर्शन करता है उसे मिलती है ट्रॉफी। तो अभी 2017 से 2020 के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 18 में से 17 मैच जीते हैं, तो उसे मिली है ये ट्रॉफी। वहीं भारतीय टीम की बात करेंगे तो भारतीय टीम ने 18 में से 10 मैच जीते हैं और इस तरह से वो चौथे स्थान पर रहा है। अच्छा, कुछ और पॉइंट मैं आपको बता दूं, वो आप ध्यान रखना। जैसे कि 2021 में वुमेन वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होगा, न्यूजीलैंड में होगा। वहीं 2023 में जो आपके मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे, भारत में होंगे। और इस साल 2020 में मेंस एंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होगा, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। और अभी जो आईसीसी U19 वर्ल्ड कप हुए थे कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, उसके रिजल्ट आ गए, उसको जीत लिया पहली बार बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश ने किसको हराया, भारत को हराया। फिर राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा जाएगा? तो आंसर होगा अरुण जेटली जी के नाम पे। तो फरीदाबाद में स्थित है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसका नाम बदल करके अरुण जेटली जी के नाम पे रखा जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा वैसे अरुण जेटली जी के नाम पे एक हमने एक स्टेडियम का नाम भी बदला था, दिल्ली में है वो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया है। और यहाँ पे बात करेंगे अटल जी के नाम पे, तो अटल जी के नाम पे हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग सुरंग है, उसका नाम बदला गया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप जानते ही हो, भारतीय जनसंघ के ये संस्थापक थे, और अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम इनके नाम पे रखा गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की जो सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नशेरी, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। फिर अभी नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में किसने पुरुष खिताब जीता है? तो आंसर होगा आदित्य मेहता ने। ये चैंपियनशिप अभी आपके पुणे में चल रही थी और इसमें मेंस टाइटल जीत लिया है आदित्य मेहता ने। इसने किसको हराया इसमें, तो पंकज आडवाणी को हराया है। जबकि वुमेन्स टाइटल में बात करेंगे तो कर्नाटक की विद्या पिल्लई ने मध्य प्रदेश की अमी कमानी को हराकर वुमेन टाइटल का खिताब जीता। फिर अभी 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा इथियोपिया में। और इसकी थीम क्या रही थी, साइलेंसिंग द गन्स क्रिएटिंग एड्रेसिव कंडीशन फॉर अफ्रीकास डेवलपमेंट। अच्छा, याद रखना ये 33वां संस्करण तो आपका इथियोपिया में हुआ है अभी 2020 में। अगले साल 2021 में जो इसका 34वां संस्करण होगा वो कहाँ पे होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में होगा। देखो, इथियोपिया की बात कर ले तो इथियोपिया की कैपिटल आपकी एडिस अबाबा है, करेंसी बिर है। देखो, इसकी प्रेसिडेंट का नाम इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, सोहेल वर्क जेवड़े, ये इथियोपिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। प्रधानमंत्री का नाम भी इम्पोर्टेंट है, अबी अहमद अली, 2019 का नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको। साथ में याद रखना अभी 2020 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है किसको, ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग को वैसे 2019 के लिए भी नॉमिनेट किया गया था लेकिन उन्हें मिला नहीं। फिर है विश्व स्तर पर विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में महिलाओं और बालिकाओं के महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। इसे पहली बार 2016 में मनाया गया था और इस बार की थीम क्या रही, इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो इससे होगा क्या, इन समुदायों के लोगों को सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होगी। अच्छा एक प्रश्न, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे बनेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। चलो फिर आप मुझे बताओ कि कौन सा देश पहली बार 2021 की जनगणना में LGBT समुदायों को शामिल करेगा, तो फिर आंसर क्या दोगे आप, नेपाल। LGBT मतलब लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और जयपुर के परकोटे को अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। गवर्नर हैं कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। फिर है अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया है, तो आंसर होगा COVID-2019। देखो कोविड का भी मतलब है, CO लिया है कोरोना से, कोरोना के आगे के दो लेटर से, वायरस के आगे के दो लेटर से VI बना और डिजीज के आगे का एक लेटर से D बना, तो बन गया कोविड। और 2019 में ये वायरस सामने आया तो 2019 लिखा है, COVID-2019। इसके अलावा इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी वायरस ने भी इस वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया है। और आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कोरोना वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी भी घोषित किया था। इसके अलावा अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए $2 मिलियन के फंड देने की घोषणा की है और इससे कुछ समय पहले ही यूनाइटेड किंगडम ने भी £20 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की थी। अच्छा इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि चाइना के जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कहा है ये जो कोरोना वायरस है ना, इसका जो वाहक है, जो होस्ट है, वो है पेंगोलिन जानवर। मतलब ये जो कोरोना वायरस है, ये जो चमगादड़ से आया है, ये चमगादड़ से डायरेक्ट इंसानों में नहीं पहुंचा है, ये चमगादड़ से पहले पहुंचा है पेंगोलिन नाम के जानवर में और पेंगोलिन से पहुंचा है इंसानों में। इसको ऐसे समझो जैसे कि मतलब कोई चमगादड़ का लार्वा लगा हुआ कोई फूड है, उसको खा लिया पेंगोलिन नाम के जानवर ने, तो उसमें पहुंच गया कोरोना वायरस और फिर चाइनीज लोगों ने उस पेंगोलिन नाम के जानवर को खा लिया, तो वो वायरस पहुंच गया इन लोगों में, तो इस तरह से ये पहुंचा है और ऐसा कहा है चाइना के शोधकर्ताओं ने। फिर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किस खिलाड़ी को 2019 वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना है, तो आंसर होगा लाल रेमसियामी। तो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है ये लाल रेमसियामी। अच्छा ये किस राज्य की है, तो ये मिजोरम की है, मात्र 19 साल की है ये और इस खिताब को जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। वहीं अगर पुरुष वर्ग में बात करेंगे तो भारत के विवेक सागर प्रसाद को 2019 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा देखो कुछ और इम्पोर्टेंट नाम है जैसे कि एलिशा न्यूमैन ऑस्ट्रेलिया की हैं ये और इंटरनेशनल पुरुष हॉकी मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी ये। वहीं रानी रामपाल की बात करेंगे तो आप जानते ही हो महिला हॉकी टीम के कैप्टन हैं ये और अभी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था इनको और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। इसके अलावा रानी रामपाल को एक शूटर हैं सौरभ चौधरी, उनके साथ फिक्की इंडिया ने 2019 के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना था। फिर अभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस खिलाड़ी को एलन बोल्डर मेडल से सम्मानित किया, तो आंसर होगा डेविड वार्नर। तो इस ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर हैं ये डेविड वार्नर और इनको ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए एलन बोल्डर मेडल से सम्मानित किया। फिर विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 फरवरी को। अच्छा ये तो 11 फरवरी की बात होगी, 12 फरवरी को हमने नेशनल प्रोडक्टिविटी डे राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया है। और इसके अलावा याद रखना 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया गया। फिर एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और किसे विलुप्त होती प्रवासी प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया जाएगा, तो आंसर होगा एशियाई हाथी को। तो भारत एशियाई हाथी और गोडावण जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है, इसको विलुप्त होती प्रवासी प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है अभी गुजरात के गांधीनगर में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां सम्मेलन यानी कि COP13 होना है अभी 17 फरवरी से, तो वहीं पे इसकी चर्चा की जाएगी। अच्छा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में है और इसके प्रमुख है इंगर एंडरसन। फिर है ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड के 13वें संस्करण में किसे कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया,
तो आंसर होगा इयोन मॉर्गन को। तो इंग्लैंड के हैं ये इयोन मॉर्गन। अच्छा, इन्हीं के साथ साथ ओडीआई बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के लिए चुना है इंग्लैंड के बेन स्टॉक को, वहीं टेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के लिए चुना है श्रीलंका के कुशल परेरा को, जबकि वुमेन बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के लिए चुना है ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी को। इनके अलावा कुछ और भी नाम है, तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके आप उनको भी देख सकते हो। फिर है पहले खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा लद्दाख स्काउट्स ने। और इसमें इन्होंने किसको हराया, आईटीबीपी की टीम को हराया है। ये इसका पहला संस्करण था, तो ये आप याद रखना। अच्छा, खेलो इंडिया से कुछ याद आया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इस बार इसका तीसरा संस्करण हुआ था आसाम के गुवाहाटी में, पहले नंबर पर रहा था महाराष्ट्र, सेकेंड पे हरियाणा और तीसरे में दिल्ली। महाराष्ट्र ने कितने मेडल जीते, 256। गोल्ड कितने, सिल्वर कितने और ब्रोंज कितने, तो रेशो याद रख लो 78, 77 और 101 का। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण आपका कहाँ पे हुआ, ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर जो आपका इंडिया का स्पोर्ट कैपिटल भी इसे कहा जाता है। ये चले 22 फरवरी से 1 मार्च तक। फिर है राष्ट्रीय शीतकालीन खेल यानी कि नेशनल विंटर गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा इस साल, तो आंसर होगा गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होगा ये, 7 मार्च से शुरू होंगे ये। अच्छा, ये तो नेशनल विंटर गेम्स हो गए, अगर हम पर सिंपल बात करें नेशनल गेम्स 2020 ये कहाँ पे होंगे और कब होंगे, तो ये गोवा में होंगे, 20 अक्टूबर को शुरू होंगे जो कि 4 नवंबर तक चलेंगे। ये इसका 36वां संस्करण होगा और ये अभी न्यूज़ में भी थे क्योंकि इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट रिलीज कर दिया गया है। क्या है इसका मैस्कॉट, रूबी गुला, जो कि एक फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है, और ये जो फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है गोवा का स्टेट बर्ड है, तो ये भी आप याद रखना। फिर अभी किसने भाभा कवच नाम से एक नया बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च किया है, तो नाम से ही बता रखते हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे आप बार्क कहते हो, और इस जैकेट को सबसे पहले CISF यूज करेगा। अच्छा, जैकेट की खास बात क्या है कि ये काफी हल्का है, 6.8 किलोग्राम इसका वजन है, बाकी जो दूसरे आपके बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं वो काफी भारी होते हैं, लगभग 17 किलोग्राम तक का उनका वजन होता है। अच्छा, बुलेट प्रूफ से आपको कुछ याद आया होगा, कुछ समय पहले ही अपन ने पढ़ा था कि भारत की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है, और इसको बनाया किसने था, मेजर अनूप मिश्रा ने, और ये मेजर अनूप मिश्रा वही है जिन्होंने कुछ समय पहले फुल बॉडी प्रोटेक्शन बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया था, और उसके लिए उन्हें आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंट अवार्ड मिला था। अच्छा, इन सबके साथ मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ कि भारत की पहली और दुनिया की सबसे सस्ती गनशॉट लोकेटर बनाई गई है, जो 400 मीटर की दूरी से बुलेट का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकती है। इस गनशॉट लोकेटर का नाम रखा है पार्थ, तो ये भी आप याद रखना। फिर है बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, ये कहाँ पे शुरू हुआ था, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में, और इसका आयोजन किसने किया, NDRF ने, NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और इस एक्सरसाइज में किन किन देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो ऑब्वियस ही बात है जो बिम्स्टेक कंट्रीज है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, बिम्स्टेक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, 7 कंट्रीज हैं, भारत हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। पर याद रखना, इस बार थाईलैंड और भूटान ने इस एक्सरसाइज में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, यानी कि टोटल 5 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश में है। अच्छा, बिम्स्टेक का मतलब क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अच्छा, बिम्स्टेक का एक्चुअल मतलब होता क्या है, तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो 7 देश हैं उनका ये समूह होता है बिम्स्टेक। फिर है भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा मुंबई में, तो महाराष्ट्र के मुंबई में 90 स्टेशनों पर ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क लगाए जाएंगे, और ये लगने के बाद मुंबई दिल्ली को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क बन जाएगा। फिर है अभी वर्ल्ड रेडियो डे विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 13 फरवरी को। इसकी थीम क्या रही थी, रेडियो एंड डाइवर्सिटी, ये इसका नवा संस्करण था इस बार। फिर है द थिन माइंड मैप बुक, ये जो पुस्तक है इसको अभी लॉन्च किया गया है, आपको बताना है इसके लेखक कौन है, तो आंसर होगा धर्मेंद्र रॉय। ये जो धर्मेंद्र रॉय है इन्हें विचारों को दिशा देने वाला और बुद्धि साक्षरता का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इनके नाम 10 सालों के अंदर 380 से ज़्यादा माइंड मैपिंग सेमिनार आयोजित करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, और इन्हीं की ये पुस्तक है द थिन माइंड मैप बुक, और इसको अभी लॉन्च किया गया है। बाकी MJ अकबर की बात कर लेंगे, तो इन्होंने अभी एक बुक लिखी थी, गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास इस्लाम,
डब्ल्यू वी रमन की बात करेंगे, इन्होंने बुक लिखी थी अ विनिंग सिक्सर। डब्ल्यू वी रमन कौन है वर्तमान में, ये हमारे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। आर एन पी सिंह की बात कर लेंगे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। फिर है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसे प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया, तो आंसर होगा INS शिवाजी को। INS शिवाजी, इसे 1945 में नौसेना में शामिल किया गया था, लेकिन अब ये जो INS शिवाजी है ना, इंडियन नेवी और जो कोस्ट गार्ड के जो ऑफिसर्स हैं उनको इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देने के काम में लिया जाता है। अच्छा, INS करवती का नाम भी आप याद रखना, अभी GRSE यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया 104वां युद्ध पोत है ये, जिसे अभी नौसेना में शामिल किया गया था। INS करवती नाम है इसका। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा टेक कार्यक्रम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये कहाँ पे होना था जिसे भी रद्द कर दिया गया है, आंसर होगा बार्सिलोना में। अभी 24 से 27 फरवरी तक बार्सिलोना में होना था ये विश्व का सबसे बड़ा टेक कार्यक्रम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जिसे अभी कोरोना वायरस के खतरे की वजह से कैंसिल कर दिया। 1 लाख से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते यहाँ पे अगर ये होता तो। बार्सिलोना हमने कहा स्पेन का एक शहर है। अच्छा, स्पेन के एक खिलाड़ी मैंने आपको बताए थे, फेमस टेनिस प्लेयर है, क्या नाम है उनका, राफेल नडाल है। और स्पेन की कैपिटल आपकी वैसे मैड्रिड है, और मैड्रिड में ही वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार दिनकर केशव रायकर को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान किया, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। अच्छा, इनके अलावा एक नाम आपको और याद रखना है, यूसुफ जमील का, जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं, और अभी इनको 2019-20 का पेन गौरी लंकेश अवार्ड मिला था। फिर है गोरेला पेंड्रा मारवाही, ये किस राज्य का एक नया जिला बना है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ का। तो गोरेला पेंड्रा मारवाही छत्तीसगढ़ का भी 28वें नंबर का जिला बना है। और ये जिला किससे अलग होकर के बना है, तो बिलासपुर से अलग होकर के बना है। और इस जिले में 3 तहसीलें, 3 विकास खंड है, गोरेला पेंड्रा और मारवाही। छत्तीसगढ़ की बात है तो इसकी कैपिटल याद रखो रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। याद रखना भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ पे खुला था, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। फिर अभी किसे एयर इंडिया का CMD बनाया गया है, तो आंसर होगा राजीव बंसल को। अभी तक एयर इंडिया के जो CMD थे अश्विनी लोहानी, अब उनका कार्यकाल टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, तो अब राजीव बंसल बन गए हैं एयर इंडिया के नए CMD। एयर इंडिया से कुछ याद आया, जो केंद्र सरकार है वो एयर इंडिया में जो उसकी 100% हिस्सेदारी है वो बेचने जा रही है। SK सैनी की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बने अभी है, और HK जोशी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है, और अरविंद कृष्णा की बात करेंगे IBM कंपनी के CEO बने थे अभी है। फिर अभी ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा ऋषि सुनक बने हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद हैं ये ऋषि सुनक, और इनको नया वित्त मंत्री बनाया गया है। एक्चुअली में अभी तक पाकिस्तान मूल के साजिद जावेद थे वित्त मंत्री, लेकिन अभी उन्हें हटा करके ऋषि सुनक को नया वित्त मंत्री बनाया गया है। इनके बारे में एक और बात आपको बता दूं, ये जो ऋषि सुनक हैं, ये इन्फोसिस के जो संस्थापक है ना, कौन, नारायण मूर्ति, उनके दामाद हैं ये। अच्छा, इसी के साथ आपको याद रखना है, पिछले साल आपको याद होगा ब्रिटेन की गृह वो भी भारतीय मूल की बनी थी, कौन, प्रीति पटेल, तो उनका नाम भी याद रखना। अच्छा, अतनु कुमार दास जानते हो ना, बैंक ऑफ इंडिया के नए MD CEO बने थे। संजीव चड्डा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO बने थे। और लिंगम वेंकट श्रीनिवास, ये कैनरा बैंक के MD CEO बने थे।